الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے, ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. علاقے کا نام رانجھا ہے, مجھے نہیں پتہ کہ اس کی ہیر کہاں ہے. میرے لیے جناب محترم نوید حیدری صاحب یہی سمجھیں کہ اس محفل کے یہی رانجھا ہیں. انہوں نے آپ کی زیارت کے لیے بلایا, میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے. محبت والے, ایمان والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہیں. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے جس کی خاطر ساری کائنات بنائی اپنا وہ حبیب بھی ہمیں عطا کیا. دوسری بات, ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں
कि हमें इतना प्यारा नबी मिला तो हम उनके आने की खुशी करते हैं। और ख़ुशी का हर वो तरीक़ा जो जायज़ है वही करते हैं, जो नाजायज़ है वो नहीं करते। मैंने मौजू पूछा था, उन्होंने फरमाया बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करनी हैं, हमारा और कोई काम ही नहीं है। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। मैंने ये वाक़या कहीं पढ़ा था। हज़रत सैयदना हसान इब्ने साबित रदी अल्लाहु ताला सहाबी हैं, हुजूर उनके लिए मिंबर लगवाते थे, वो मिंबर पर खड़े होकर अदब से नबी की नात पढ़ते थे। वो नसर में हो नज़म में हो, ये नहीं है कि सिर्फ शायरी ही नात होती है, उनका ज़िक्र भी उनकी नात है। वो सफ़र कर रहे थे, आपके इलाके जैसे हैं वैसे ही जंगल होता था, सड़क नहीं होती थी, लोग पैदल ऊंट घोड़ों पे सफ़र करते थे। हज़रत पैदल सफ़र करते जा रहे थे, आगे एक चरवाहा, बकरियां उसकी घास चर रही थी, वो एक तरफ बैठा लकड़ी पे टेक लगाए कुछ गुनगुना रहा था। हजरत हसन ने ध्यान दिया तो वो नात पढ़ रहा था, मगर वो शायर नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जिस तरह उसको आता था, जो सादी सी आवाज थी उसमें पढ़ रहा था। हजरत हसन को अच्छा लगा। मैंने क्या कहा? जब कोई ईमान वाला मिले, नबी की मोहब्बत वाला मिले तो अच्छा लगता है। उन्हें अच्छा लगा, वो उसके पास बैठ गए, वो अपने ध्यान में था। अचानक उसको एहसास हुआ कि कोई मेरे पास बैठा है। उसने घूम के देखा तो अजनबी शख्स। हज़रत हसन ने कहा तुम मेरे नबी की नात पढ़ रहे थे, मैं सुनने के लिए बैठ गया, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। उसने कहा मुझे इतना ही आता है। तुम कौन हो? कहा जिस नबी की तुम नात पढ़ रहे हो मैं उनका सहाबी हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्या तुमने मेरे नबी को देखा? हजरत हसन ने कहा हाँ मैंने देखा है। कितनी बार देखा है? उनका गिनती नहीं की है मगर देखा है। मैंने देखा नहीं है, मैं मुसलमान हुआ हूं, उनका कलेमा पढ़ता हूं, तुम्हें भी तो नात आती होगी, मुसलमान हो सहाबी हो तो तुम्हें भी नात आती होगी। हजरत हसन ने उसको बताया कि मेरे लिए तो नबी मिंबर लगवाते थे। उसने कहा मुझे इनकी नात सुनाओ। हजरत हसन ने एक नात शरीफ सुना दी, वो रोता रहा। उसने कहा सुनो, ये जितनी बकरियां ना ये सारी मेरी हैं, तुम मुसाफिर हो, मैं तुमसे बार बार फरमाइश करूंगा तो तुम कहोगे मैं क्यों सुनाऊं, तो सुनो ये जो बकरियां इसमें से 10 तो मैं दूंगा, एक नात और सुना दो। हजरत हसन ने नात पढ़ी, उसको बहुत सुरूर आया, कहने लगा 20 दूंगा, एक और सुनाओ। वो इस तरह करके बकरियां देता रहा और नात शरीफ
सुनता रहा, बकरियां खत्म हो गईं, उसका जी नहीं भरा, जी नहीं भरा। उसने कहा मेरे पास अब बकरियां नहीं हैं, लेकिन मुझे शौक है कि मैं और सुनूं। सुनो, तुमने कभी बकरियां नहीं चराई होंगी, ये आसान काम नहीं होता, इनको दाएं ले जाओ बाएं जाती हैं, आगे ले जाओ पीछे जाती हैं, ये आसान काम नहीं है। तो ये बकरियां हो गई तुम्हारी, तो मुझे साथ ले लो, मैं तुम्हारी बकरियां चराया करूंगा, तुम मुझे नबी की नात सुना दिया। कदर थी जिनको, वो जिक्र सुनने को भी सआदत समझते थे, राहत समझते थे, कि लबों पर उनका नाम आ जाए, उनका जिक्र आ जाए, इससे बड़ी और कोई बात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वरफाना लका जिक्रक, वाओ के माने हो गए और, रफाना हमने कर दिया ऊंचा, लका तुम्हारे लिए, जिक्र का तुम्हारा जिक्र। बा मुहावरा आसान तर्जमा के हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र ऊंचा कर दिया, बुलंद कर दिया, रफात दे दी। कितना ऊंचा किया, कोई फीता नहीं है कि नाप सके, मेजरमेंट नहीं हो सकती। पाकिस्तान वालों से पूछूं सबसे ऊंची बिल्डिंग है, किसी का नाम ले देंगे। दुनिया वालों से पूछूं वो कहेंगे CNN टावर है, कनाडा में है, शिकागो में दो ऊंची बिल्डिंगें हैं, फला बिल्डिंग सबसे ऊंची। दुबई वाले कहेंगे हमारा जो बुर्ज है वो ऊंचा, जिसको जो ऊंचा लगे, जिसको बंदा ऊंचा कह दे, जब वो इतना ऊंचा है तो जिसको रब ऊंचा कहे उसकी ऊंचाई कोई नाप सकता है। कितना ऊंचा किया कि जो अब ये जिक्र करेगा वो भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि लका इसमें लाम तमलीक का मालिक बना दिया नबी को। अब जिसको ऊंचा होना है वो जिक्र मुस्तफा कर ले, वो ऊंचा हो जाएगा। रांझा के इलाके वालों, मुझे ये बताओ, आपने नाम तो बहुत सुने होंगे, पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत कौन है? सबसे मशहूर, 74 साल हो गए, आप कहोगे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तहरीक पाकिस्तान के कायदे आजम, ऐसा ही है ना। उन्होंने जितनी जिंदगी पाई, जो काम किया, बहरहाल उनको लोग तहरीक पाकिस्तान का कायदे आजम कहते हैं। उनकी दाई कौन थी, आप में से कोई नाम बताए, मैं नवीद हैदरी साहब से उसको 1,000 रुपया दिलवा दूंगा। मैंने अपनी तरफ से कह दिया, मुझे पता है किसी को नाम मालूम नहीं है तो उनका 1,000 महफूज रहेगा। बच्चे बच्चे को मालूम, हर नोट पर तस्वीर है, मगर उनकी मिडवाइफ कौन थी नहीं मालूम। हालांकि 125 साल पुरानी बात है, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं, और अगर किसी को मालूम भी हो तो फायदा क्या है, कौन सा कोई इनाम मिल जाएगा, कौन सा कोई जायदाद बन जाएगी, कोई सवाब होगा, नहीं। मगर आपके इस इलाके में जो शहरों से बहुत दूर गांव है एक तरह का, यहाँ पर भी अगर मैं नाम लूँ तो बच्चे बच्चे पुकारेंगे, हजरत हलीमा को जानते हो या नहीं जानते हो?
बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा के है तू मुहम्मद की दाई हलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 2-2.5 साल खिदमत की, आज भी जो लोग मदीना मुनव्वरा जाते हैं, मदीना के कब्रिस्तान बकी शरीफ में जिसको आप जन्नतुल बकी कहते हैं, उनमें जिन कब्रों पर ख़ास तौर पर सलाम किया जाता है, उनमें एक कब्र हज़रत अलीमा की है। वो भी कहेंगी कमली वाले तेरे कुर्बान जाऊं, और मैंने थोड़ी सी खिदमत की, तूने करोड़ों सलाम भेज दिए। आप लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में दुरू शरीफ पढ़ते हैं, तशहुद के बाद उस दुरूद का नाम क्या है? माशाल्लाह, दुरूद इब्राहिमी। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबियों में सबसे ज़्यादा अफजल है, मेरे नबी के बाद। उन पर क्यों दुरूद भेजते हैं? हालांकि नबी पाक से पहले तो हज़रत ईसा थे, उनसे पहले तो हज़रत मूसा थे, मगर हज़रत इब्राहीम पे दुरूद भेजा जाता है, कोई वजह होगी। वल्लाहु ताला आलम, उलमा फरमाते हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया काबा बनाओ, उन्होंने बना दिया। बनाने के बाद दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह काबा मैंने बना दिया है, बसाने वाला रसूल तू भेज दे। उन्होंने तमन्ना की मेरे नबी की, क्या की? अगर वो तमन्ना ना करते तो क्या नबी पाक नहीं आते? आना था। अगर हुजूर ना आते तो हजरत इब्राहिम पैदा ही ना होते। हजरत इब्राहिम ने की तमन्ना एक मर्तबा, तो तमन्ना करने पे इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन्होंने एक बार तमन्ना की, मेरे आका ने हर नमाजी से दुरूद भिजवा दिया। कोई मेरे नबी का जिक्र करे और खाली रह जाए, कोई उनकी मोहब्बत रखे और खाली रह जाए, ऐसा हो सकता? मैं इसी की 50 मिसालें दूं आपको, और आप भी आए बैठे हो तो आप खाली चले जाओगे? कल क़यामत के दिन होगा कि ये सारे नबी का मीलाद मनाने जमा हुए थे, इंशाल्लाह करम होगा, क्योंकि वो किसी को खाली लौटाते नहीं। ये हो सकता? कौन देता है देने को मुंह, कौन देता है देने को मुंह, चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि। ये बुजुर्ग बैठे हैं मेरे दाई जानिब, इनसे एक सवाल करता हूं। हजरत मुंह से देते हैं लोग या हाथ से? हाथ से। आप भी यही कहते हैं? आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को, देते हाथ से हैं, वो कहते हैं मुंह चाहिए। कभी सोचा आपने? आलिम का कलाम है, ऐसे ही तो नहीं, कोई बात तो होगी। आपके यहाँ भी एक कहावत उर्दू वालों में है, पता नहीं शायद
आपके पोठवारी या पंजाबी में भी होगी, उर्दू में कहते हैं ये मुंह और पंजाबी में भी शायद कोई होगी, मुंह होना चाहिए, ये मुंह और मसूआ, आजकल वो भी महंगी है। हदीस शरीफ है, उतलुबुल हवाइज इंद हिस्सानिल वुजूह, अपनी हाजतें मांगो तो अच्छे चेहरों वालों से मांगो। मुंह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक माना। दूसरा माना ये कि वो मुंह से जो कहे वो हो जाए, जो कहे वो। आपकी हुकूमत का भी मुंह है, अजी ठीक है यूं करेंगे वहां करेंगे, पता चलता है कुछ है नहीं। मुंह होना चाहिए ऐसा कि जो उससे निकले वो हो जाए। तीसरी बात ये कि इख्तियार वाला हो, उसको कुदरत हो, ताकत हो, इख्तियार। ये मैंने अभी दो तीन माने किए, अगर इसी पे तकरीर करूं तो कितनी हो जाए। सहाबी आ रहे हैं हुजूर से मांग रहे हैं, फरमाया हो गया, अब अगई रजा लेकर जो तूने मांगा वो हो गया, कुछ और मांग। नबी जो कह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि वो मुंह ऐसा है जो उससे निकलता है वो, क्योंकि उस मुंह पर कौन बोलता है, अल्लाह बोलता है। कौन बोलता है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, मेरा ये हबीब अपनी ख्वाहिश से अपने लब भी नहीं हिलाता, इसके होंठ कब हिलते हैं, जब हमारी वही होती है। समझाऊं, पूछ रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं या नहीं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे और अपने दरमियान लगा ले पर्दा, मैं नजर आऊंगा नहीं। ये जहां ये बैनर लगा हुआ है यहां लगा दे शीशा, आईना, गिलास जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसमें मैं नजर आऊंगा या नहीं। अब एक मसला उलमा समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। वो जो आईने में नजर आ रहा है वो मेरा ऐन है या मेरा गैर है। अच्छा, आप लोगों ने कह दिया है ना मुझे हटा दो, उसको फिर भी नजर आना चाहिए। गैर वो होता है कि जिसका वो गैर है उसके मुकाबले में उसकी हैसियत मुस्तकिल हो। मसला कर दिया है, समझ आपको नहीं आया, ना वो मेरा ऐन है ना वो मेरा गैर है, वो मेरा अक्स है। वो मेरा ऐन भी नहीं वो मेरा, जुमला सुन लें शायद पसंद आ जाए, जिन्होंने मेरे नबी को ऐनुल्ला कहा वो भी गलत, जिन्होंने गैरुल्ला कहा वो भी गलत। मेरा नबी ना ऐनुल्ला है ना गैरुल्ला है, वो हबीबुल्ला है। उनमें रब के जलवे नजर आते हैं, वो आईना हक। खैर, वो जो आईने वाला है वो अपनी मर्जी से होंठ हिला सकता है, हिलेंगे इधर नजर आएंगे उधर, अगर इधर नहीं हिलेंगे तो उधर नजर भी। अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से अपने लब नहीं हिलाता, इसके होंठ कब हिलते हैं, जब हमारी वही होती है। हिलते कहीं और हैं, नजर कहीं और आते। अल्लाह जिस्म से पाक। अब पढ़ो आला हजरत का शेर, अब समझ आएगा। फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और को
फरमा कर। बखुदा का मतलब खुदा की कसम, अल्लाह का कोई दरवाजा है तो मुस्तफा है। मफर मकर, मफर भाग के कहीं चले जाए, मकर कहीं पना ले ले, ना भाग सकते हैं ना कहीं पना। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। साहबा बैठे हुए हुजूर ने फरमाया, या अय्युहन नास कद फुरिद अलैकुमुल हज, ए लोगो तुम पर हज फर्ज कर दिया गया, फहुज्जू हज किया करो। एक सहाबी ने अर्ज किया, कुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज? हुजूर खामोश। उसने फिर पूछा, हुजूर खामोश। फिर पूछा, फरमाया लौ कुल तो नाम लवजबत, अगर मेरे होंठ हिल जाते मैं हां कह देता, तुम पे हर साल फर्ज हो जाता। कुछ समझ आई बात की? उनके मुंह पे कौन बोलता है? बहुत से लोग कहते हैं कुरान मानेंगे हदीस नहीं मानेंगे। टीवी पे भी आते हैं, इंटरनेट पे भी आते हैं, आपको गुमराह करते हैं। ओ जी हदीस बहुत बाद में लिखी गई, जी हदीस में बहुत फर्क है, ये है वो है। तो जो कहते हैं नहीं जी हम अहले कुरान, हम सिर्फ कुरान मानेंगे हदीस नहीं मानेंगे, मैंने कहा तुम्हारे पास इस कुरान के कुरान होने का सबूत क्या है? अच्छा चलो, मेरा चैलेंज, मैं कितने साल हो गए चैलेंज करते हुए, मुझे कुरान वाली नमाज पढ़ के दिखा दो। कानों तक हाथ उठाने हैं दिखाओ कुरान में, बांधने हैं दिखाओ कुरान में। तरतीब पहले सना पढ़नी है सुभानक अल्लाहुम्मा, फिर तअव्वुज, फिर तस्मिया, फिर फातिहा, फिर किरात, फिर रुकू, फिर कौमा, फिर सजदा, दो सजदों के दरमियान जलसा, ये सारी तरतीब मुझे कुरान में दिखाओ। मगरिब की तीन रकतें दिखाओ कुरान में, दो फर्ज पढ़ते हो फजर में, चार जोहर में, चार असर में, तीन मगरिब में, चार ईशा में, ये दिखाओ। अल्लाह चाहता तो एक एक बात खोल के लिख देता, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़ती, मगर अल्लाह ताला यही चाहता है, लोग जब तक कुरान के मोहताज रहे मेरे नबी के भी मोहताज रहे। दरे मुस्तफा छोड़कर हम अल्लाह को पा सकते। ऊंची, आपने जोर की नमाज पढ़ी होगी, उससे पहले कौन सी पढ़ी थी? फजर। मस्जिद में आए होंगे, यहाँ इस मस्जिद के जो भी इमाम साहब हैं उन्होंने फजर की नमाज में आवाज के साथ किराअत की होगी। जब आप जोर में आए वो अल्लाह अकबर कह के खामोश, आवाज नहीं आ रही, नमाजी सोचे कि मौलवी साहब को कुछ हो गया, घर में कोई लड़ाई हो गई, बीवी से लड़के आए हैं, क्या बात है, बैटरी फेल हो गई है, चलो हो सकता है कोई तबीयत में परेशानी हो। असर में आए तो फिर वही बात, मगरिब में आए तो फिर आवाज आ रही है, ये दो नमाजों में आवाज कहां चली गई थी? एक साहब आगे बढ़े, मौलाना साहब आपने सुबह फजर में भी आवाज के साथ किरात की थी, मगरिब में भी आवाज के साथ, ये जोर असर में आपकी आवाज कहां चली गई थी? आपने आवाज के साथ किरात नहीं की। तो मौलाना साहब कहेंगे ये ऐसा ही करना सुन्नत है। और कोई जवाब किसी फिरके के किसी बंदे के पास? सब कहेंगे नबी ने ऐसा किया। कुरान क्या कह रहा है, नबी क्या कह रहा है, नबी के बगैर नमाज पढ़ सकते हो? मौलाना साहब आपने कहा सुन्नत है,
क्या मतलब जैसा नबी ने किया वैसा करना है, वरना अल्लाह की इबादत हो सकती। अब आपको शायद ये भी मालूम हो या ना हो कि ये ज़ोर असर में आवाज़ के साथ क्यों नहीं पढ़ते, ये भी बता देता हूँ आपको। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुलेआम नमाज पढ़ाने लगे, मक्का के काफिरों ने लौंडे पकड़ लिए, लड़के पकड़ लिए, उनको पैसे दिए कि तुमने एक काम करना है, जब मुसलमान नमाज पढ़े तो शोर करना है। आज की जबान में हूटिंग कहते हैं उसको, ओ ओ ओ इस तरह शोर मचाना। लड़कों को और क्या चाहिए, उन्हें पैसे मिले हुए थे, वो शोर करने लग गए। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जब हम फजर पढ़ रहे होते हैं ये सो रहे होते हैं, मगरिब इशा में ये घरों में चले जाते हैं, शोर करते हैं जोर असर में। मेरे प्यारे सहाबा, तुम लोग जोर असर बगैर आवाज के पढ़ लिया करो। आज मक्का में कोई काफिर दाखिल नहीं हो सकता, मगर हुक्म वही है जो मेरे नबी ने फरमा दिया, उनसे हटकर हम चल सकते नहीं। तो नबी का दामन छोड़ें दीन पर अमल हो सकता। ज़कात देते होंगे आप लोग, जो साहिब निसाब होंगे ज़कात देते होंगे। 100 पे कितने रुपए देते हो? 2.5 रुपए। माशाल्लाह, मालूम है, बड़ी अच्छी बात है। ये जितने बैठे उलमा, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, एक चैलेंज, मुझे 2.5 रुपए कुरान में दिखाओ। 40 पर 1 रुपया देना है, दूसरे 40 पे 2 रुपए हो गए, 20 पे 8 आने, 100 पे 2.5 रुपए देने, कुरान में दिखाओ। ज़कात का हुक्म है, मगर ये 2.5% कहां से लिया? ये दामने मुस्तफा थामा है तो पता चला है। मेरे नबी के बगैर हम दीन पर अमल कर सकते। और झलकी देखनी है और देख ले, चलें वो भी दिखा देता हूँ। अल्लाह हम सबको हज पर ले जाए। हज में दो काम लाजमी हैं, एक बैतुल्ला का तवाफ और एक 9 तारीख को मैदान अरफात में ठहरना। ठहरने को वकूफ कहते हैं, ठहरना। भले 5 मिनट ठहरे, मगर अरफात में 5 मिनट, 9 तारीख को ठहर गए, हज हो गया। नहीं ठहरे तो हज, वो रुकने आजम है हज का। और उसके बाद तवाफ, ये दो काम लाजमी है। अगर किसी ने नहीं किया, उसकी बीवी उस पर हलाल नहीं रहेगी, क्योंकि हज को गया है तो उसने ये दोनों काम करने। तफसील में नहीं जाता। लीजिए जनाब, आपके यहाँ लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ कह देते हैं, आपको बहुत बुरा लगता होगा। मैंने वकूफ़ के क्या माने बताए? ठहरना। बेवकूफ़ का मतलब कि इसमें बात ठहरती। लीजिए जनाब, हज का रुकने आजम, दुनिया भर से लोग, अभी तो कोरोना का ऐसे ही साजिश की है ना, यहूदियों ने बता दिया मुसलमानों हम तुम्हारा काबा बंद कर सकते हैं, और हमने चुप करके बर्दाश्त कर लिया। ये हमारे ईमान का हाल है। 35 लाख 30 लाख आदमी मैदान अरफात में जमा हज किया। कुरान कहता है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा में फ़र्ज है। हर नमाज का वक्त है, मगरिब का वक्त, गुरूब आफ्ताब, सूरज गुरूब हो जाए, मगरिब का वक्त हो गया। 9 तारीख को अरफात में सूरज गुरूब हो जाता है, कोई हाजी वहाँ मगरिब की नमाज नहीं पढ़ता। पूछ लो उलमा से, कोई आके गए अभी ताज़ा ताज़ा हज किया है, और हज करने के बाद तू अब मगरिब नहीं पढ़ना, तो टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया, नहीं पढ़ेगा। अगर पढ़ेगा तो बजाय सवाब के इताब होगा, पकड़ होगी, तूने क्यों ऐसा किया।
वहां से चलते हैं मुज़दलिफा, जिसको कुरान ने मशारे हराम कहा। वहां कोई पैदल आए, गाड़ी पे आए, आधे घंटे में आए या चार घंटे में आए, रात के 2 बजे भले वहां पहुंचे, वहां पहुंच के मगरिब कजा नहीं पड़ेगा, अदा पड़ेगा। कोई पूछे कि ऐसा क्यों किया, कहोगे नबी ने ऐसा किया। कुरान कहता है वक्त मुकर्ररा, वक्त हो गया है मगरिब में, कोई नहीं पढ़ रहा। क्या मतलब? रब की इबादत भी उसी तरह होगी जब मुस्तफा की अदाओं पे चलेंगे, उसके बगैर काम बनता। वो ऐसे नबी का मीलाद मनाने के लिए दलीलें मांगे,